तीन हरी मिर्ची, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी जावित्री, दालचीनी, काली मिर्ची, लौंग, लहसुन, अदरक, धनिया, टमाटर, मिर्ची, इन सबको पीस लेंगे। एक प्याज डाल देंगे, इन सबको मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। अब एक कढ़ाई रख देंगे गैस पर, उसमें 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल देना, इसे गर्म होने देंगे। अब इसमें राई डाल देंगे, उसे भी चटकने देंगे अच्छे से। अब हमने जो मसाला पीसा था उसे सारे को इसमें डाल देंगे, सारे मसाले को डाल देंगे। थोड़ा सा जार को धो के पानी डाल देंगे, इससे मसाले जलेंगे नहीं। और इसे अच्छे से लगातार चलाते हुए 10 मिनट तक भून लेना, मसाले से अच्छे से तेल अलग हो जाना चाहिए। थोड़ा सा नमक डाल देना, इसमें टमाटर है, इससे अच्छे से गल जाएंगे। इसे अच्छे से हम भून लेते हैं। अब 2 कटे हुए टमाटर डाल देंगे, इन्हें भी थोड़ी देर भून लेंगे। अब मसाले से हमारे अच्छे से तेल अलग हो चुका है, देखिए। अब हम इसमें ओले हुए आलू डाल देंगे। कोने कोने तक मसाला मिक्स हो जाए। ऐसे ही हमें 5 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल देंगे, जितना आपको गाढ़ा या पतला चाहिए हो। आपको पूड़ियों से, चावल से, जिससे भी खानी हो उस हिसाब से डाल देना। ये आपको अभी पतली लग रही होगी, लेकिन ये उबलने के बाद फिर से गाढ़ी हो जाती है। अब इसे ढककर 10 मिनट पका लेंगे। चेक कर लेते हैं, देखिए क्या तरी आई है। देखिए कितनी सुंदर सब्जी बनी है। इसे 5 मिनट खुले पे ही पका लेंगे। ऐसे ही इसे पकने दें। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब गैस को ऑफ कर देंगे।
और हरा धनिया डाल के सर्व करेंगे। तैयार है हमारी पूरियों के साथ खाने वाली हलवाई स्टाइल सब्जी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।